बीजेपी के यूपी प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद ओपी माथुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आने वाला समय पूरा देश कांग्रेस मुक्त होकर भगवा में हो जाएगा। ओपी माथुर शुक्रवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिलकर राजस्थान जा रहे थे और रेवाड़ी के कापड़ीवास गांव में रणधीर सिंह कापड़ीवास के स्वागत कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। सब जगह जीत जाए, यूपी में आपका पता लगेगा कैसे जीत के हो, लेकिन मुझे जनता का भरोसा था। इन्होंने खूब प्रयत्न किया, गुंडागिरी करने का प्रयत्न किया, मसल पावर उपयोग करने का प्रयत्न किया, मनी पावर उपयोग करने का प्रयत्न किया, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नाम इतना पहुंचा था, गांव का व्यक्ति खड़ा हो गया, ये सारी चीजें एक तरफ ले गई। और कोई सोचता है, मैंने 3 महीने पहले एक नारा दिया था, अब की बार 300 पार, तो मेरे लोग कहते थे अरे बहुमत तो लियाना 300 पार तो बहुत होता है, और ऐसी कृपा हुई वोटर की कि 300 पार ही नहीं 325 सीट जीत करके भारी बहुमत से जीत के आए। इसलिए हमने कहा था कि पूरे देश को कांग्रेस मुक्त करना है। अब मेरे भाइयों, थोड़ा सा बचा है, पूरा नक्शा उठा के देख लो, सब जगह सैफरोनी, सिर्फ थोड़ा सा बचा है। इन आने वाले 2-3 सालों में जहां जहां चुनाव होने वाला है पूरा देश भगवामय होने वाला है, इसलिए तैयार रहो। मोदी जी रात और दिन काम में लगे हैं, रात और दिन आपकी सेवा के लिए लगे। आज भी सांसदों से क्या पूछा उन्होंने, सांसदों से पूछा, पर्टिकुलर लोकसभा के सांसदों से, तुम क्षेत्र में जाते हो, जनता की पीड़ा समझते हो क्या, जनता क्या मांगती पूछते हो क्या, किसान क्या मांगता पूछते हो क्या, हमारी सरकार के बारे में किसान क्या कहता है, गांव का गरीब क्या कहता है, वो पूछते हो क्या? और ये पूछा और तय किया कि 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक एक सप्ताह तय किया। 6 अप्रैल अपनी पार्टी का स्थापना दिवस है, 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती है, उन्होंने तय किया। पार्टी का चाहे वार्ड का या पंचायत का मेंबर हो और अखिल भारतीय अध्यक्ष हो, सबको इस 15 दिनों के अंदर कम से कम 72 घंटे ग्राम पंचायत स्तर पर जाके रहना है और अपनी योजनाओं को बताना है।